الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله جل وعلا في كلامه العزيز: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. आज के दर्स में जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वह अलबाक। अलबाक कहते हैं मौत के बाद कब्रों से दोबारा उठाया जाना, और बाद का मतलब होता है कि इहयाउल्लाह लिलमौता व इखराजुहुम मिन कुबूरिहिम लिलजज़ाई वल हिसाब। शेख सालेह सिंदी हफिज़ाहुल्लाह फरमाते हैं कि इसका माना यह है कि अल्लाह सुबहानहू व तआला का मुर्दों को जिंदा करना और उनको उनकी कब्रों से निकालना जजा के लिए, बदले के लिए और हिसाब के लिए। और इस ताल्लुक से कुरान करीम में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में बेशुमार नुसूस और दलाइल आए हुए हैं। उनमें से एक दलील जो हम पढ़ते हैं सूरह मुल्क, सूरतुल मुल्क आयत नंबर 15 है, जिसके अंदर अल्लाह सुबहानहू व तआला फरमाता है وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, और उसी की तरफ उठ खड़े होना है किसी अल्लाह सुबहान व तआला की तरफ से। और जो बाद الموت यानी मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर हमारा ईमान है और हमारा अकीदा है, और हम तस्दीक के साथ इस बात का जो है ऐलान करते हैं, इकरार करते हैं कि मौत के बाद हमें जिंदा किया जाएगा और उसके बाद हमारा हिसाब व किताब लिया जाएगा। मुशरिकीन ने मौत के बाद दोबारा उठाए जाने का इनकार किया, बिल्कुल इनकार किया। और इस चीज को अल्लाह सुबहान व तआला ने सूरतुन नहल आयत नंबर 38 के अंदर अल्लाह सुबहान व तआला ने फरमाया وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ। और मुशरिकीन जो है ये कसमें खा खा कर, सख्त कसमें खा खा कर क्या कहते हैं, ला यबअथुल्लाहु मन यमूत, कि अल्लाह सुबहानहु व तआला उसको नहीं उठाएगा जो मर गया, यानी जिसकी मौत आ गई वो दोबारा नहीं जिंदा होगा। तो अल्लाह सुबहान तआला ने फरमाया बला, क्यों नहीं, वअदन अलैहि हक्का, ये तो एक ऐसी बात है जो तयशुदा यानी वादा है, बरहक वादा है जिसको अल्लाह सुबहान व तआला ने बयान किया है। ولكن اكثر الناس لا يعلمون, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। यहाँ मुराद वो लोग हैं जो मौत के बाद दोबारा उठाए जाने का इनकार करते हैं। इसी तरीके अल्लाह सुबहान व तआला ने सूरह तगाबुन आयत नंबर 7 सूरह तगाबुन आयत नंबर 7 के अंदर फरमाया زعم الذين كفروا, कुफार ने ये ख्याल किया, ये गुमान किया अल्लन युबअथु, कि हरगिज उनको उठाया नहीं जाएगा। कुल, आप कह दीजिए बला, क्यों नहीं, वरब्बी, और मेरे रब की कसम लतुबअथुन्ना, तुमको जरूर बजरूर उठाया जाएगा, थुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम, फिर जरूर बजरूर तुम्हें खबरदार किया जाएगा उस चीज से जो तुम करते थे, बिमा अमिलतुम, जो तुमने किया, वदालिका अलल्लाह यसीर, और ये अल्लाह सुबहानहु व तआला पर बहुत आसान है। शेख सालेह सिंदी हफीज़हुल्लाह ने ऐसे लोगों का जो मौत के बाद दोबारा उठाए जाने का इनकार करते हैं, इस ताल्लुक से जो है एक मतलब जबरदस्त दलाइल बयान किए कि उनका रद्द, कि अल्लाह सुबहानहु व तआला ने उनका रद्द, हर एतबार से उनका रद्द किया। जो लोग भी इस अकीदे के हामिल है कि मौत के बाद दोबारा नहीं उठाए जाएंगे, अल्लाह सुबहान व तआला का अल्लाह सुबहान व तआला ने उनका रद्द किया। और शेख सालेह सिंदी हफिज़हुल्लाह फरमाते हैं कि अल अदिल्लतु अला इस्बातिल बअस व हिया अला क़िस्मैन, कि मौत के बाद दोबारा उठाए जाने के जो दलाइल हैं वो दो तरह के हैं। नंबर एक अदिल्लतु शरईया व हिया फिल कुरआन व सुन्नत कथीरा, अदिल्ला शरईया यानी शरई दलील जो कुरान से और हदीस से, और ये बहुत सारी दलील है, उनमें से दो दलीलें अभी हमने ऊपर पढ़ी।
एक और दलील है जिसको अल्लाह सुबहानहू तआला ने सूरह अल हज आयत नंबर 6 और 7 आयत नंबर 6 और 7 के अंदर अल्लाह सुबहानहू तआला फरमाया व अन الساعه اتيه لا ريب فيها और कयामत आने वाली है उसमें कोई शक नहीं। व अन الله يبعث من في القبور और अल्लाह सुबहानहू तआला जो है जिंदा करेगा उनको जो कब्रों में है, यानी कब्रों में जो लोग हैं ये दोबारा क्या किए जाएंगे, जिंदा किए जाएंगे। और दूसरी और भी तफसील है लेकिन मैं वो चीज नहीं पढ़ाऊंगा, एक दलील हमारे लिए काफी है। और दूसरी किस्म अदिल्लतुन शरईयतुन अक्लिया, कि वो दलीलें जो दलीलें शरई हैं लेकिन अकली भी हैं, यानी कुरान करीम अल्लाह सुभान व तआला ने कुरान करीम के अंदर जो है अकली दलाइल भी पेश किए हैं। जैसे बाज लोग जो कहते हैं कि हमारी ये चीज हमारी समझ में या अकल में नहीं आती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस का इनकार कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ के मशहूर मारूफ इसका जो है स्कॉलर हैं जिनके लिटरेचर अक्सर लोग पढ़ते रहते हैं, जिनकी तफसीर भी पढ़ते हैं, उन्होंने दज्जाल वगैरह का इनकार किया। मतलब उन्होंने कहा कि दज्जाल मौजूद नहीं है अभी, हालांकि तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हु की सही मुस्लिम की हदीस है, उसके बावजूद भी क्या किया उसने, उन्होंने जो है इनकार किया। बहुत सारी की सही हदीस का उन्होंने इनकार किया जिसकी लिटरेचर तफहीम अल कुरान है, लोग पढ़ते रहते हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीसों का उन्होंने इनकार किया। क्यों? अकल की बिना पर, कि अकल में नहीं आया तो हमें कुरान और हदीस, हमारी अकल अकल कुरान और हदीस को समझना ये मतलब इसके लिए हमारी अकल कसौटी नहीं है, बल्कि इसलिए हमारा इसके लिए हमारा ईमान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, हमारे दिमाग या अकल में आए या ना आए हमको तस्लीम करना है। अल्लाह का कलाम है, हमारे समझ में आए या ना आए हमको तस्लीम करना है, हमें उस पर ईमान लाना है। तो शेख हफीज़ुल्लाह फरमाते हैं कि दूसरी किस्म के दलाइल वो है जो शराई दलाइल हैं और अकली भी हैं। अकली कैसे हैं अभी आप सुनिए, और वो दलाइल जो अकली दलाइल हैं कुरान करीम ने उसकी रहनुमाई की, वो चार तरह के दलाइल हैं। कितनी तरह के दलाइल हैं? चार तरह के दलाइल हैं। नंबर एक अन्नौल अव्वल, नंबर एक अन्न القادر على خلق الانسان من العدم قادر على اعاده بعد موته, कि जो रात इंसान को पैदा करने पर कादिर है, जब वो मौजूद ही नहीं था, वो आदम यानी उसकी कुछ उसका कुछ वजूद ही नहीं था, उसके वजूद न होने के बाद भी अल्लाह सुभान व तआला ने जब उसको पैदा कर दिया तो अब तो इंसान का वजूद है, वो दुनिया में पैदा हो गया, तो अब उसके वजूद के बाद उसको पैदा करना ही तो आसान है, ये तो आसान है। हालांकि अल्लाह सुभान व तआला के लिए तो सारी चीज आसान है, अल्लाह सुबहान व तआला के लिए तो सारी चीज आसान है। وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ, अल्लाह सुबहान तआला की सारी चीज आसान है। लेकिन अकली दलाल इस एतबार से कि जो जात तुम्हें पहली मर्तबा पैदा करने पर कादिर है, जब तुम्हारा वजूद ही नहीं था तो तुम्हें दोबारा वो क्यों नहीं पैदा कर सकती। जैसे इसकी मिसाल मैं आपको दूं, वलिल्लाहि मसलुल आला, अल्लाह के लिए आला मिसाल है। मिसाल के तौर पर ये पेन है हमारे लिए, ठीक है, ये जब पेन वजूद में नहीं थी यानी जब थी ही नहीं तो इसको बनाना मुश्किल था, लेकिन जब ये वजूद में आ गई, अब अगर ये खत्म भी हो जाए, टूट भी जाए, बर्बाद हो जाए, तो उसको दोबारा बनाना आसान है। क्यों? कि इसका सैंपल, इसकी सारी चीजें, इसका फार्मूला हमारे पास मौजूद है, हम इसको बना सकते हैं। तो जब ये दुनिया की मामूली हकीर चीजें, एक हकीर इंसान खत्म होने के बाद बिल्कुल उसके बाद उसको बना सकता है, तो फिर अल्लाह सुबहान उतारा वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह सुबहान उतारा के लिए तो आला मिसाल, अल्लाह सुबहान उतारा के लिए तो क्या मिसाल, आला मिसाल है। और इसकी दलील सूरह मरियम आयत नंबर 66 से 68 तक आप पढ़ें, 66 से 68 तक अल्लाह सुबहान तआला फरमाता है वयकूलु लिंसानु, और इंसान कहता है इदा मा मित्तु, क्या जब वो मर जाएगा, लसौफ उखरजु हय्या, क्या फिर उसे जिंदा किया जाएगा, उसे निकाला जाएगा,
तो अल्लाह सुभान व तआला ने जवाब दिया, अवला यज़कुरुल इंसान, क्या इंसान को ये बात याद नहीं, क्या इंसान इस चीज को भूल गया, अन्ना खलकनाहु मिन कब्ल, कि हमने उसको इससे पहले ही पैदा किया, वो अलम यकुन शैया, वो कुछ भी नहीं था, हमारा वजूद था दुनिया में पैदा होने से पहले, हमारा वजूद था, हम कोई चीज थे, कुछ भी नहीं थे। तो अल्लाह सुभान व तआला ने यहाँ पे अकली दलील दी कि इंसान क्या इस चीज को भूल गया, अन्ना खलकनाहु मिन कब्ल वलम यकुन शैया, कि हमने उसको इससे पहले पैदा किया जबकि वो कुछ भी नहीं था। فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ, तेरे रब की कसम हम इनको भी और शयातीन को जमा करेंगे, ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا, पर हम इनको जमा करके जहन्नम की इर्द गिर्द इनको ला खड़ा करेंगे, घुटनों के बल जमा करेंगे। तो अल्लाह सुबहान व तआला ने, अल्लाह सुबहान व तआला ने इसके अंदर क्या फरमाया कि अल्लाह सुबहान व तआला ने तो तुमको उस वक्त पैदा किया जब तुम कुछ भी नहीं थे, अब तो तुम्हारा वजूद है, अब तो पैदा करना बहुत आसान है। और अल्लाह सुबहान व तआला ने कुरान करीम के अंदर दूसरी जगह फरमाया, وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه, वही अल्लाह सुबहान व तआला जो मखलूक को पहले इब्तिदा में पैदा करता है, ثم يعيده, फिर उसका इआदा करेगा, फिर पैदा करेगा, وهو أهون عليه, और ये काम तो अल्लाह के लिए बहुत आसान है दोबारा पैदा करना। النوع الثاني, दूसरी किस्म है, أن القادر على خلق ما هو أعظم من الإنسان, कि जो अल्लाह सुबहान व तआला इनको मौत के बाद दोबारा उठाएगा, दोबारा जिंदा करेगा, वो अल्लाह सुबहान व तआला इतना 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 बड़ा कादिर है कि ये इंसान तो क्या, इंसान तो कुछ भी नहीं, अल्लाह सुबहान व तआला ने तो इंसान से बड़ी बड़ी मखलूकात को पैदा कर दिया। जब वो बड़ी मखलूकात को पैदा करने पर कादिर है तो एक मामूली इंसान, हकीर इंसान को दोबारा पैदा नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता, दोबारा जिंदा नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। अल्लाह सुभान व तआला ने सूरतुल गाफिर, इसका दूसरा नाम सूरतुल मुमिन भी है, आयत नंबर 57 के अंदर अल्लाह सुभान व तआला फरमाता है, लखल्कु समावाति वल अर्द अकबर मिन खल्क़िना, कि आसमान और जमीन का पैदा करना ये लोगों के पैदा करने से बड़ी चीज है, हम तो कुछ नहीं है, इतना बड़ा आसमान, इतनी बड़ी जमीन, बगैर सुतून के, न कोई सुतून है, जैसे हम छत बनाते हैं, एक मामूली छत बना करने के लिए हमको कितने सुतून और कितनी पिलर की जरूरत पड़ती है, लेकिन अल्लाह सुबहान व तआला ने इतना वसी अरी लंबा चौड़ा आसमान बना दिया, आसमान में भी अल्लाह सुबहान व तआला ने इतनी चीजें रखी, फिर आसमान को मुजयन किया चिरागों से बगैर सुतूनों के, जो अल्लाह सुबहान व तआला इतनी बड़ी मखलूक पैदा कर सकता, क्या वो हमको दोबारा नहीं जिंदा कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। तो ये अकली दलील है, ये कुरान करीम की अकली दलील है। इसी तरीके कुरान करीम का एक और आयत है, मैं आयत नंबर बता देता हूँ आप लोग उसको, उसका तर्जुमा बाद में पढ़ लीजिएगा, सूरतुल अहकाफ आयत नंबर 33, सूरतुल अहकाफ आयत नंबर 33, 33 के अंदर, 33 आप लोग पढ़ लीजिएगा। नंबर 3, तीसरी नौ, الاستدلال على احياء الموتى باحياء النبات, के दलील पकड़ना मुर्दों को जिंदा करने पर पौधों के जिंदा करने से, कैसे कि एक पौधा है मर जाता है, सूख जाता है, अल्लाह सुबहान व तआला बारिश बरसाता है, फिर वो जिंदा हो जाता है, वो जो है हरा भरा हो जाता है, और ये चीज अल्लाह सुबहान व तआला ने कुरान करीम के अंदर बयान की। अल्लाह सुबहान व तआला ने सूरह फातिर आयत नंबर 9 के अंदर अल्लाह सुभान व तआला फरमाया, वल्लाहु अल्लज़ी अरसला रियाह, और अल्लाह ही है, अरसला रियाह, जो हवाओं को चलाता है, फतुसीरु सहाबा, जो बादलों को उठाई हैं हवाएं, बादलों को कौन सी चीज उठाए करे, हवाएं, फसुक्नाहु इला बलदिन मय्यितिन, फिर अल्लाह सुभान व तआला फरमाया कि फिर हम बादलों को जमीन की तरफ ले जाते हैं, कौन सी जमीन, मुर्दा जमीन की तरफ ले जाते हैं, इला बलदिन मय्यित, मुर्दा जमीन की तरफ ले जाते हैं,
فأحيينا به الأرض بعد موتها، फिर हम उस मुर्दा जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदा कर देते हैं। कदालिकन नुशूर, इसी तरह दोबारा जी उठना, यानी दोबारा इसी तरीके अल्लाह सुभान व तआला इंसानों को जिंदा करेंगे। अब एक पौधा सूख जाता है, अल्लाह सुभान मुर्दा जमीन जो है खुश्क हो जाती है, मुर्दा हो जाती है, अल्लाह सुभान व तआला बारिश नाजिल करता है और वो पौधे हरे भरे हो जाते हैं और वो उगने लगते हैं। तो इसमें दलील है कि जो अल्लाह सुभान व तआला मुर्दा पेड़ों को, मुर्दा जमीन को, मुर्दा जो पेड़ पौधे हैं खुश्क, जो जिन जिन इंसान ने जो है मतलब आज छोड़ दी कि ये अब जो है फिर से वजूद में आ सकता है, अल्लाह सुभान व तआला बारिश के जरिए तो उसको क्या कर देता है, वजूद में ला देता है। इसी तरह एक और दलील है, ये दलील आप तर्जुमा आप जो है पढ़ लें, मैं पढ़ूंगा तो काफी वक्त हो जाएगा। सूरतुल आराफ आयत नंबर 57, सूरतुल आराफ आयत नंबर 57 आप लोग पढ़ लें, ये भी एक अजीम आयत है। और इन तीनों किस्मों, यानी ये तीनों किस्में अल्लाह सुभान व तआला ने सूरह यासीन के अंदर जमा कर दिए। सूरह यासीन आयत नंबर 77 से लेकर 82, 77 से 82 तक आप पढ़ें, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी सूरह यासीन के अंदर। अब चौथी चीज अन्नौ व राबिह, चौथी किस्म है अल इस्तिदलाल बिवकूई इहयाइल मौता फिद दुनिया अला इमकान ذلك في الاخره। दुनिया के अंदर बाद मुर्दा चीजों का, मुर्दा लोगों का जिंदा हो जाना, इससे इस्तेदलाल करना कि आखिरत में अल्लाह सुभान व तआला जिंदा करने पर कादिर है, ये मुमकिन है। शेख इस्लाम तैमिया रहमतुल्लाह ने फरमाया कि فإنه سبحانه دل على إمكان إحياء الموتى وقدرتي على ذلك بطريق الوجود والعيان، कि अल्लाह सुबहाना व तआला ने मुर्दों को जिंदा किया अपनी कुदरत से, बिल्कुल हु बहू जैसे, मतलब मुर्दे जो है कुरान करीम के अंदर बेशुमार वाक़े आते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ, अल्लाह सुबहाना व तआला ने उनको फिर जो है जिंदा कर दिया। जैसे सूरतुल बकरा के अंदर अल्लाह सुबहाना व तआला ने बहुत सारे ऐसे किस्से बयान किए। आयत नंबर नोट कर लें आप लोग पढ़ लें, आयत नंबर 55, 56, 55 और 56, जिसके अंदर अल्लाह सुभान व तआला ने जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र किया और उन्होंने जिन्होंने कहा कि लन नुमिन लक हत्ता नबअस हत्ता नरा अल्लाह जहरतन, कि हम अल्लाह सुभान व तआला पर ईमान नहीं लाएंगे जहाँ तक कि हम अल्लाह सुभान व तआला को हूबहू देख न लें। फअखदतकुम अस्साइकतु, तो उन्हें जो है यानी अल्लाह सुबहान तआला ने अपनी गिरफ्त और आदाब में उनको पकड़ लिया, फिर अल्लाह सुबहान तआला ने उनको जिंदा किया, फिर अल्लाह सुबहान तआला ने उनको क्या किया, उनको जिंदा किया। इसी तरीके से सूरह बकरा की आयत नंबर 73 है, जो जो गाय वाला किस्सा है, जिसमें अल्लाह सुबहान तआला फरमाया فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ। तो हमने कहा कि इस जो गाय का जो गोश्त का टुकड़ा है इसको उस मुर्दा इंसान पर लगाओ, तो वो मुर्दा इंसान क्या हो गया, जिंदा हो गया, फिर उसने कातिल की खबर दे दी, तो अल्लाह सुभान व तआला ने फरमाया कज़ालिका युहयील्लाहुल मौता, इसी तरीके से मुर्दों को क्या करते हैं, जिंदा करते हैं। इसी तरीके से वो किस्सा सूरतुल बकरा के अंदर आयत नंबर 234 है, 243, जिसके अंदर अल्लाह सुभान व तआला ने फरमाया कि अलम तरा इलल लदीन खरजू, क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों को जो अपने घरों से निकल गए थे, वहुम उलूबुन हज़र अल मौत, और वो मौत के डरों से अपने घरों से निकल गए थे और हजारों की तादाद में थे। فقال لهم الله موتوا, तो अल्लाह सुभान व तआला ने कहा कि मर जाओ, वो मर गए। ثم احياهم, फिर अल्लाह सुभान व तआला ने उनको जिंदा किया। ठीक है, ये मारूफ किस्सा सूरह बकरा के। इसी तरह सूरह बकरा के अंदर उज़ैर अलैहिस्सलाम का किस्सा है, आयत नंबर 259 है, 259, जिसके अंदर अल्लाह सुभान व तआला ने जिक्र किया औकल लजी मर अला क़रियतिन व हिया ख़ावियतुन अला उरूशिहा, अल्लाह के एक बस्ती से गुजर हुआ जो ऊंधे में पड़ी हुई थी, तो उदैर ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, अल्लाह सुभान व तआला कैसे जिंदा, तो अल्लाह सुभान व तआला ने 100 साल के लिए आपको मौत दे दी, उसके बाद जिंदा किया, पूछा कितने साल, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो बस कुछ थोड़ा सा वक्त, अल्लाह सुभान व तआला ने फरमाया कि नहीं बल लबिस्त मिअत आम, बल्कि तू 100 साल तक, और अल्लाह सुभान व तआला ने 100 साल तक उनको सुलाए रखा।
मौत दे दी। फंदुर इला तुआमिक व शराबिक लम यतसन्ना, फिर अल्लाह तआला ने कहा कि तुम अपने खाने की तरफ, अपने शराब पीने की तरफ देखो तो उसके अंदर कोई खराबी नहीं आई। वंदुर इला हिमारिक, और अपने गधे की तरफ देखो। ये वाक्य आप पढ़े तफसील से, तो इस वाक्य से क्या पता चलता है? तो ये किससे कि अल्लाह सुभान व तआला ने यानी एक इंसान को 100 साल के लिए जो है मौत दे दी, फिर अल्लाह सुभान व तआला ने उसको भी, उसके गधे को भी जिंदा किया, और उसके साथ उसका खाना और पीना था, और ये सारी चीजें जो है अल्लाह सुभान व तआला ने मुर्दे को जिंदा कर दिया और गधे को भी जिंदा कर दिया, और उसका खाना और उसका पानी बिल्कुल वैसे ही मौजूद था, उसके अंदर कोई भी जो है किसी भी तरह की बदबू या सड़न नहीं हुई, वो खाना वैसे ही ताजा था, कोई खराब नहीं हुआ। अल्लाह सुभान व तआला जो इस चीज पर काजिर है, क्या वो इस चीज पर काजिर नहीं है कि मुर्दों को दोबारा जिंदा कर दे? बिल्कुल इसी तरीके से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा आयत नंबर 260 है, इसी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के किस्से के फौरन बाद अल्लाह सुभान व तआला ने वइज काला इब्राहिम रब्बी अरिनी कैफ तुहयी अल-मौता, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरे रब तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है, मुझे दिखा। काला अवलम तूमिन, अल्लाह तआला ने फरमाया क्या तुम्हें ईमान नहीं? قال بلى ولكن ليطمئن قلبي, कहा क्यों नहीं बल्कि मैं अपने दिल के इत्मीनान के लिए चाहता हूँ। फिर अल्लाह सुभान व तआला ने हुक्म दिया कि खुज़ अरबअतन मिन अत्तैर, फखुज़ अरबअतन मिन अत्तैर, तुम चार परिंदे लो, फसुरहुन इलैक ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم, फिर चारों जो है परिंदों को ذبح करके उनका गोश्त मिला करके अलग पहाड़ों पर डाल लो, फिर बुलाओ तो तुम्हारी तरफ दौड़ के आएंगे, जैसा कि वाकया जो है मौजूद है। इसी तरीके से अब कहब का वाकया भी मौजूद है कि 309 साल तक अल्लाह सुबहान तआला ने उनको सुलाए रखा, मौत दी, फिर अल्लाह सुबहान तआला ने उनको जिंदा किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें दलालत करती किस चीज पर कि मौत के बाद दोबारा उठा जाना ये बरहक है। अब यहाँ पे आखिर में हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मौत के बाद दोबारा उठाए जाने का इनकार किया। तो शेख सालेह सिंह हफिज़हुल्लाह फरमाते हैं अत्ताइफतुल उला, पहली जमात अल-मुनकिरून मुतलकन व हुमुल मुशरिकून व बादुस फलासिफा व बादुल फलासिफा, कि ये एक वो लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल कुल्ली तौर पर इनकार कर दिया कि मौत के बाद दोबारा हम जिंदा हो ही नहीं सकते, और ये किन्होंने किया? ये मुशरिकीन ने और फलासिफा, बहुत फलसफी लोग जो फलसफी वाले, इन लोगों ने इनकार किया, इन लोगों ने इनकार किया। और दलील हम पहले पढ़ चुके सूरह तगाबुन वगैरह की। अत्ताइफतु सानिया, दूसरी जमात अल-मुनकिरून लिल-मआद अल-जिस्मानी वल-मुस्बितून लिल-मआद अल-अरवाह वहादा قال به طائف من النصارى وبعض الفلاسفة المنتصبين للإسلام وهؤلاء كفرهم أهل العلم। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने इनकार किया कि इंसान उठाया तो जाएगा लेकिन जिस्मानी तौर पर नहीं उठाया जाएगा, यानी जिस्मानी तौर पर नहीं उठाया जाएगा बल्कि रूहों को सिर्फ उठाया जाएगा, सिर्फ रूहों को जिंदा किया जाएगा, सिर्फ रूहों को जिंदा किया जाएगा। और ये लोग इस कौल को कहने वाले बाद नसरानी लोग हैं और बाद ऐसे फलसफी लोग जो अपने आप को इस्लाम की तरफ मनसूख करते हैं, जैसे इबन सीना है और फरानी वगैरह, और ऐसे जो है कुछ और लोग हैं जिनका क्या कहते हैं ये अकीदा था। इबन सीना को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन पक्का मुल्हिद था और उलमा ने उसकी तकफीर की है, उलमा ने उसकी तकफीर की है। الطائفه الثالثه تيسري جماعه المنكرون لبعث الارواح والمثبتون لبعث الاجساد, ये इसकी दूसरी नंबर दूसरी किस्म के उल्टा है, दूसरी जमात को उल्टा है कि इन लोगों ने रूहों के जिंदा होने का इनकार कर किया, जिस्मों को दोबारा यानी जो है यानी इसको उठाए जाने का इन लोगों ने इकरार किया। और ये कौल बाद मुतकल्लिमीन, मुतकल्लिमीन से मुराद वो लोग हैं अहले कलाम जिन्होंने अल्लाह सुबहान तआला के अस्मा व सिफात वगैरह के अंदर और दीन के बहुत सारे मामलात के अंदर कलाम के यानी अपने अकल से काम लिया और गुमराह हुए। और अल्लामा शेख निज़ाम तैमिया रहमतुल्लाह ने ऐसे लोगों का जो अहले कलाम यानी अकलानी लोग हैं इनके ताल्लुक से एक मुफसल किताब लिखी, दिरुत तआरुद जो है
वो बहुत जबरदस्त किताब है जो उर्दू जुबान के अंदर शायद मौजूद नहीं लेकिन अरबी जुबान के अंदर मौजूद है। शेख निज़ाम तैमिया रहमतुल्लाह ने ऐसे लोगों का रद्द किया। चौथी जमात है अल-क़ाइलून बितनासुख अल-अरवाह वहुम अल-बुदी वल-हनादिका। चौथी किस्म के वो लोग हैं जो रूहों के तनासुख का अकीदा रखते हैं कि रूहें क्या होती हैं, वापस आती हैं। और ये अकीदा किसका है? ये अकीदा बुद्धिस्ट लोगों का, बुद्धि का, और इसी तरीके से बाद हिंदुओं का, इसी तरीके से बाद हिंदुओं का। और बाद ऐसे लोग हैं जो इस्लाम की तरफ मंसूब, जिन जो अपने आप की नस्बत इस्लाम की तरफ करते हैं, उन लोगों का भी ये अकीदा है। उन लोगों का भी क्या है? ये अकीदा है। जैसे नुसैरिया एक फिरका है जो सीरिया के अंदर, जो बशार अल असद है, बशार अल असद और उसका बाप जो था हाफिज बशार, ये सब नुसैरी फिरका है। ये असल में शिया के फिरकों में से एक फिरका है, निकला है, और उनको उलेमा ने बातिनी फिरका कहा है। असल में ये सब अगर जब हम किताब पढ़ेंगे अल-फिरक वल-मुआसिरा, तब उसके अंदर ये बातें आएंगी, ये सब फिरकों के नाम आएंगे, नुसैरिया, बहाइया, कादियानिया, इस्माइलिया, और जो भी ऐसे अल-फिरक के जो एक मजमून है मुकम्मल, वो जब पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है नाम आते हैं। तो इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने कहा कि रूह जो होती है, यानी इन लोगों ने कि रूहों के तनासुख का जो है, तनासुख अरवाह का इन लोगों ने जो है अकीदा रखा। तो ये अकीदा जो है ये बातिल है। और बाद लोग आज ऐसे होते हैं जिनका ये अकीदा होता है, जिन्होंने अकीदा रखा, हालांकि ये अकीदा बातिल है। और इन लोगों ने जो क्या किया, क़याम यानी जो है इसका मौत के बाद दोबारा उठाए जाने का क्या किया, इनकार किया। इसके बाद और भी चीज़ें हैं क़याम के ताल्लुक से, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मिसाल के तौर सूर में फूंकना है, और सूर में फूंकना जैसा फिर अलैहिस्सलाम फूकेंगे, फिर कुरान करीम से दलाइल हैं कि सूर में फूकने की, जैसे सूरह ज़ुमर आयत नंबर 68 के अंदर है। फिर ये इख्तलाफ है कि सूर कितनी मरतबा फूकी जाएगी, 3 मरतबा या 2 मरतबा, तो इसमें उलमा के इख्तलाफ हैं, लेकिन जो राजे कौल लगता है वल्लाहु आलम बिस्सवाब, वो है कि 3 सूर फूंकी जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज़ आती है हशर, यानी जमा किया जाना। और इस ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2278, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं आदम की औलाद का सरदार हूँ, और सबसे पहले मेरी कब्र को खोला जाएगा, ठीक है। फिर हशर में लोग उठेंगे, उनकी जो कैफियत होगी, जिसको हदीस सही बुखारी की हदीस नंबर 3349 के अंदर मौजूद है कि लोग बिला कपड़ों के, नंगे बदन, बगैर खतना किए हुए, बगैर जो है यानी कुछ पहने हुए जो है लोग जो है कब्रों से जिंदा होंगे। वह अव्वल मन युक्सा यौम अल-क़ियामा, और क़यामत के सबसे पहले जिनको कपड़ा पहनाया जाएगा वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम होंगे। और रहा मसला कुफार का, तो कुफार को अल्लाह सुबहान व तआला अंधा और बहरा बना के अल्लाह सुबहान व तआला उनको उठाएगा। और इस ताल्लुक से सही बुखारी के अंदर 6523 पे हदीस मौजूद है, और सूरतुल इसरा के अंदर आयत नंबर 97 के अंदर ये बात मौजूद है, ठीक है। और मुतकब्बिरून लोग, तकब्बुर करने वाले लोगों को अल्लाह सुबहान व तआला चूंटियों के मानिस जो है ज़िल्लत की तरह उठाएगा। इसकी दलील सुनन तिर्मिज़ी की एक रवायत है, हदीस नंबर 2492, ठीक है। और इसी तरीके से वो लोग जो भीख मांगते हैं लोगों से, ज़रूरत न होने पर भी, जिनका पेशा है, ये लोग भी जो है क़यामत के दिन उठाए जाएंगे, इनके चेहरों पर गोश्त नाम की चीज़ नहीं होगी। सही बुखारी के अंदर दलील मौजूद है 1474। इसी तरीके से अहलुल वुज़ू करने वाले के ताल्लुक से सही बुखारी की रवायत है, हदीस नंबर 136, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इन उम्मती युदऊन यौम अल-क़ियामा गुर्रम मुहज्जरीन मिन आथार अल-वुज़ू, कि मेरी उम्मत के जो लोग हैं क़यामत के दिन अपने वुज़ू के आसार की वजह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग क़यामत के दिन अपने वुज़ू के आसार की वजह से पहचाने जाएंगे, यानी उनके वुज़ू के जो आसार हैं
वो चमक रहे होंगे। इसी तरीके से शहीद है, शहीद के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी हदीस नंबर 2803 के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है शहीद के ताल्लुक से ये बात जो है बयान फरमाई है कि अल्लाह सुबहान व तआला जो है कयामत के दिन जो है अल्लाह सुबहान व तआला शहीदों से क्या करेगा, जो है शहीदों से अल्लाह सुबहान व तआला ने कलाम भी किया है, जैसा कि इस ताल्लुक से दलील दलील मौजूद है। और वो कयामत के दिन इस हाल में आएंगे कि उनका खून, उनका जो कलर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है मौजूद होंगी और उससे मुश्क की खुशबू आ रही होगी। सही बुखारी की हदीस है, आप पढ़ लें।